Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the official channel of for 24 7 regulatory bodies and SO. My name is Amanjot and today we are going to discuss here how to start preparation for RBI grade B 2023. As we know RBI grade B is a dream job for many aspirants and it's need a lot of preparation sare preparation pe karni you have to give a lot of more time of your particular duration or your preparation strategy. You have to RBI grade B ki हो इट मीन्स यूर स्ट्रेटजी शुड बी क्लियर योर माइंडसेट शुड बी क्लियर दैट यस यू वॉन्ट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले यू शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट दैट यस आई वॉन्ट टू डू दिस एंड नो मैटर वॉर्ड्स मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा बिकॉज माइंड सेट इज दी ओनली थिंग जो आपको आपकी जर्नी के एंड तक पहुंचा सकता है सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे आज हम बात करने वाले हैं सिंपली हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन बिकॉज वी नो आर बी आई ग्रेड बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा या फिर आप सोच रहे हो गए अभी नाउ मैक्सिमम थिंग इज दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है जब भी हम ग्रेड लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं और जब भी मैक्सिमम हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन व्हेन विल द नोटिफिकेशन कम कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा प्रिपरेशन से ज्यादा हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन से ज्यादा हमारा दिमाग इस जगह पर लगा होता है कि आर नोटिफिकेशन कब निकालने वाला है सो दैट वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन नहीं देखो आपका नोटिफिकेशन आफ्टर सिक्स आफ्टर एट मंथ्स और आफ्टर वन ईयर भी अगर आता है यू शुड भी प्रिपेयर फॉर आर ग्रेड भी बिकॉज ये कोई छोटा मोटा

सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेलन सो दैट ऑल द अपकमिंग सेशन नोटिफिकेशन विल बी गिवन टू यू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी कोई नया सेशन आने वाला होगा दिस इज दैनल ओके नाउ इफ यू एम नॉट डाउनलोड द ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन ईयर देन डू डाउनलोड द एप्लीकेशन इस पर आपको क्विजेस मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर क्वार्ट रीजनिंग एन इंग्लिश एज वी नो फेज़ वन का जो आपका पेपर होता है इट्स अ क्वाइट टफ पेपर आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी टू की ही बात करें तो हमने कट ऑफ देखा सिक्सटी 63.75 कट ऑफ सिर्फ हंड्रेड सिर्फ ना आपका 63 पर आके रुक गया है सो so, आपको इंग्लिश इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आई वुड सजेस्ट नया एग्जाम नहीं भी हो तो भी आपको क्यूआरई और करेंट अफेयर्स इनको पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर कंसिस्टेंट रहो अपने प्रिपरेशन में इट डजेंट मैटर एग्जाम एक साल बाद होने वाला है या दो साल बाद होने वाला है बट दीज आर द थिंग्स जो हर एक एग्ज़ाम में आपको आता है करंट अफेयर्स आपको हर जगह पढ़ना है क्यू आपको हर जगह पढ़ना है तो इनकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए और इनकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए वी हैव हाँ एप्लीकेशन जहां पे रेगुलर अपडेट होती है आपकी क्वेजेस टाइम बेस उसको इसका ये फायदा है कि आप टाइम के बेसिस से प्रैक्टिस करते हो इट्स नॉट लाइक कि आपने 50 पजल्स लिए और स्टार्ट करा सॉल्व करना और एक वीक में आपने सारे 50 पजल्स सॉल्व कर लिए एंड एवरी पजल वॉज करेक्ट हर एक पजल सही है बट स्टिल यू वेस्टेड योर टाइम आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू गेट सेलेक्टेड आप ऐसे सेलेक्ट नहीं हो यू हैव फोर्टी मिनट्स इन आरबीआई टू सोल्व

सी नहीं करना चाहिए ठीक है सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे गुड मॉर्निंग राजेश्वरी चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडे टॉपिक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2023 स्टार्ट विद दिस स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपेयर करना लेट्स गो टू द पर्टिकुलर अच्छा इससे पहले आई थिंक सबको पता होगा आई हैव टेकन द सेशन जहाँ पे मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है आई हैव डिस्कस द रिसोर्स ऑल्सो रिसोर्स भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपके साथ इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की आपका पेपर का पैटर्न क्या है बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट योर एग्जाम नो योर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के बारे में जानो दैट व्हाट एक्चुअली द एग्जाम इज क्या आपसे मांग रहा है वो पर्टिकुलर एग्जाम तब तक आपको ये नहीं पता होगा हाउ यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन सेकेंड अगर हम बात करें तो यू शुड नो अबाउट योर सिलेबस सिलेबस इज इंपॉर्टेंट इफ यू डू नॉट नो द सिलेबस देन हाउ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कट ऑफ के बारे में सोचो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो एंड डू मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द

make a क्लियर अजम्पन दैट वट यू वॉट विच एग्जाम यू वॉन्ट टू क्लियर लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो एक ही नहीं बहुत सारे एग्जाम्स फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम्स भी देते हैं और करना भी चाहिए ऐसा बिकॉज वेन एवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम जब भी कॉम्पिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं वेन एव वी टॉक अबाउट दीज एग्जाम आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बिकॉज आपका सलेक्शन कब होता है लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप फेज़ वन का पेपर देने गए या फेज टू का पेपर देने गए हो ना टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कॉम्पिटिव एग्जाम में बैंकिंग एस एस सी रेलवे किसी भी एग्जाम की आप बात करो नाउ द थिंग इज आप जब तक ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है आपके वर्ड फॉर एग्जाम्पल 60 क्वेश्चंस हैज बिन गिवन इन रीजनिंग रीजनिंग में आपके 60 क्वेश्चंस हैं फेज वन के अंदर एंड 45 मिनट्स विल बी गिवन टू यू आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 60 मार्क्स का ये पेपर होगा ठीक है पेपर विल बी ऑफ सिक्सटी मार्क्स आपका रीजनिंग का का्सटी मार्क्स है सिक्सटी क्वेश्चन है एंड आपको टाइम दिया जाएगा फोर्टी फाइव मिनट्स का नाउ द थिंग इज फोर्टी फाइव मिनट्स में क्या आपके फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सॉल्व कर पाना पॉसिबल है क्या वो जो वन लाइनर्स पूछे गए होंगे वो पॉसिबल है वन लाइनर्स तो बहुत कम आते हैं अगर आपका अल्फा अल्फनिमारिक सीरीज भी वो पूछ रहे हैं तो आपसे सीरीज पूछते हैं कौन सी वाली जिसपे दो या तीन क्वेश्चन बेस्ड होते हैं अच्छा एक और टाइम मैनेजमेंट का इस स्ट्राटेजी यहाँ पे पेपर्स में क्या निकाल दिया गया है दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि ब्लड रिलेशन पे पहले आपका क्वेश्चन आता था सिंपल आपको एक पैराग्राफ देंगे चार से पांच क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाएंगे सेम इन इक्वालिटी इन इक्वालिटी में आपको स्टेटमेंट दे देंगे देन दे फाइव आपको देते जो आपका लाइक like, वो होते ना सिंबल बेस्ड इक्वालिटी होता है पांच क्वेश्चंस तो मिनिमम उसके ऊपर आते ही थे पहले नाउ व्हाट दे हैव डन वो सिंबल बेस्ड इक्वालिटी देंगे पहले आप उन सिंबल्स को सॉल्व करो और जब आप उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो एक या दो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे नाउ यू हैव गिवन योर टाइम टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सिंबल और इन सॉल्व करने जा रहे हो तो पहले पांच क्वेश्चन आते थे तो ये गारंटी होती थी चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पांच नंबर तो पक्के हो जाएंगे बट नाउ द थिंग इज और ज्यादा टफ बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को और बेटर करने के लिए उन्होंने

क्वेश्चन थे रीजनिंग में सिक्सटी में से दस क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए ही बने हैं इट मीन फोर्टी फाइव मिनट्स में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन तो कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज्यादा आइडिया आपको इस चीज का होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ठीक है देन ओनली यू विल सेव योर टाइम और तब जाके आप सेक्शल कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे और ये हम कब सीखते हैं जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं क्वांट का पेपर देने जा रही हूँ इन क्वांट

30 में से ओनली 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूं तो सबसे पहले मैं इन्हीं को सॉल्व करूंगी मैं ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्वेंस वाइज नहीं जाऊंगी अब मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि इस थर्टी में से दस तो मेरे से डेफिनेटली बन जाएंगे फर्स्ट टाइम अटैम्प में बन जाएंगे तो मैंने वो दस क्वेश्चन कर लिए आफ्टर दैट फाइव क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू में रखा था और ये टेन क्वेश्चन होने के बाद जब मेरे पास टाइम बचा तो वट आई हैव डन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया ठीक है मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया मैंने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को देखा इसमें से लेट से तीन क्वेश्चंस मुझसे बन गए ठीक है पर जब मैं एनालिसिस कर रही थी पूरे पेपर का तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये पांच क्वेश्चंस लास्ट वाले ऐसे हैं जो मुझे छूने भी नहीं है और अगर टाइम बचता है तो ही मैं इनके बारे में सोचूंगी नहीं तो नहीं तो वो जो टाइम मैं पांच क्वेश्चन पे वेस्ट करने वाली थी अराउंड फाइव मिनट और सिक्स मिनट और सेवन मिनट वो मेरे बच गए और मैं यहाँ पे फिफ्टीन क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई बिकॉज ये बन सकते थे मुझसे सो यहाँ पे एक्सपीरियंस क्यों वाई आई एम से एक पेपर के पीछे में भागो ज्यादा से

पहले ये जानो कि कौन से एग्जाम्स आपको देने अब आप डोंट डू दिस मिस्टेक कि एक तो आप बोल रहे हो मैं आर बी आई ग्रेड बी का एग्जाम दूंगा और एक में आप बोल रहे हो मैं आर आर बी क्लर्क का एग्जाम दूंगा ऑब्वियसली बात है ये तो नॉनसेंस वाली चीज़ हो गई जस्ट कॉम्प्लीमेंट योर आर बी आई ग्रेड बी सिलेबस ठीक है ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म भरो जो आपके आर बी आई ग्रेड भी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ठीक है ऐसा नहीं आर बी आई नहीं हुआ तो क्लर्क में चले जाएंगे वो भी आर आर बी क्लर्क में चले जाएंगे नहीं ऐसा लेवल डिसाइड नहीं करना है हाउ टू डिसाइड अगर आप आर बी आई की प्रिपरेशन करो योर टारगेट इज आर बी आई ग्रेड बी देन स्टार्ट विद नाबार्ड ग्रेड ए अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए नाबार्ड ग्रेड ए सब लोग फॉर्म फिल कर दो यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस नाबार्ड और आरबीआई सेम सिलेबस है थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बिकॉज वहां पे ए है आरबीआई में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट लेवल ऑफ एग्जाम आपका लगभग सेम होगा अदर सब्जेक्ट्स आपके लगभग सेम है सो वट यू हैव टू डू स्टार्ट विद नाबार्ड नाबार्ड के अलावा वट यू कैन डू आप सेबी को भी प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज सेबी हैज द सेम सिलेबस बट ओनली डिफरेंस ये कि सेबी में इकोनॉमिक्स आता है और आरबीआई में आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज आता है बस इतना सा डिफरेंस है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो टू इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हो यू हैव टू स्टडी द माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टैटिक वाला पार्ट जो आता है बेसिक आपका सिलेबस जो है आपका सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स वो आपको पढ़ना होता है बट वेन इट कम्स टू द ई एस आई सोशल इशूज इकनॉमिक्स प्लस करेंट अफेयर्स मेनली आ जाता है इट इट इज टोटली अबाउट करेंट अफेयर्स ठीक है तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट ऐसे एग्जाम्स से, से करना है जो आपका आर बी आई ग्रेड बी की प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप उसके लिए और बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर सकते हो ठीक है ना दिस इज

आपने ध्यान लिया कि कौन कौन सा एग्जाम आपको देना है आफ्टर नोइंग दैट वट यू कैन डू अपना एग्जाम और सिलेबस को जानो जो हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए कर चुके हैं नहीं किया है तो कर लो ठीक है बिकॉज इसके पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे नाउ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कट ऑफ पे जाओ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कट ऑफ फॉर द लास्ट फोर टू फाइव ईयर्स हम ऑलरेडी कट ऑफ देख चुके हैं सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दैट यू वेंट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने चेक किया और आपने पढ़ा क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था दैट्स इट पंद्रह मिनट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस खत्म नहीं टेक टेक योर टाइम दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन जितना भी टाइम लगता है टू एनालाइज द पेपर पैटर्न ये एनालाइज करना कि आर बी आई किस लेवल का पैटर्न दे रहा है उतना टाइम लो और उतना टाइम लेने के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप आइडिया इट्स नॉट लाइक कि आप आर बी आई सेम पैटर्न का पेपर देने वाला है इट्स नॉट लाइक की आर बी आई वही पूछने वाला है जो लास्ट फाइव ईयरस में पूछा था बिल्कुल नहीं होगा ऐसे ठीक है आपका पैटर्न से जानने के लिए पैटर्न क्यों जानना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने सिलेबस पे फोकस करोगे ना आप ई नो अगर आप ई एस आई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हो लेट से अगर आपने ई एस आई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो आप क्या करने वाले हो आप सिलेबस देखोगे नोटिफिकेशन में आर बी आई ने यह नोटिफिकेशन दिया है यू विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिलेबस आपने पढ़ लिया ग्रोथ क्या है डेवलपमेंट क्या है नेशनल इनकम क्या है कैपड़ा इनकम क्या है वट इज पोवर्टी हाउ टू मेज अ पोवर्टी कौन कौन सा टास्क ग्रुप है पोवर्टी के अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कितने टाइप का होता है व्हाट इज एल पी जी पॉलिसी वट इज़ दी प्लानिंग कमीशन व्हाट इज़ नीति आयोग ये सब आपने पढ़ लिया ना दिस इज नॉट सफिशिएंट ऐसा नहीं कि इनको नहीं पढ़ना है इनको पढ़ना है बट दिस इज नॉट सफिशिएंट ये नहीं पूछता आरबीआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में आपके करंट अफेयर सोशल इश्यूज पूछे जाते हैं आपसे रिपोर्ट्स इंडक्सेस ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बट इट्स नॉट लाइक कि जो आरबीआई ने सिलेबस दिया वो किसी काम का नहीं डेफिनेटली काम का है उसी के बेसिस पे तो आप सोशल इश्यूज को पहचानोगे आपको पता है जेंडर इन इक्वालिटी की बात आरबीआई ने अपने सिलेबस में करी है तो इट इज ऑब्वियस जेंडर इन इक्वालिटी के सोशल इश्यूज आपको पढ़ने हैं आरबीआई अपने सिलेबस में पोवर की बात कर रहा है। से रिलेटेड इशूज आपको पढ़ने टू यू बट प्रीवियस नहीं करोगे टाइम right कर प्रीवियस को अच्छे से पढ़ो एनालिसिस करो समझो क्या पूछा गया है पेपर में एंड सोल्यूशन उनके मिलते हैं तो बेटर उनका एनालिसिस भी कर लो दैट इज इंपॉर्टेंट ये करने के बाद देन स्टार्ट योर स्ट्रेटेजी अपना पूरा स्टडी प्लान बनाए उस स्टडी प्लान के थ्रू आगे गो थ्रू करें ठीक है ये आपको करना है स्टेप में ठीक है आप competition कैसे जाने? How many candidates were there? 2022 में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था किसी ऐसे कैंडिडेट uh, से जान पहचान बढ़ाओ जिसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है या फिर वो एग्जाम देने वाला है या दे चुका है ठीक है अनलेस अंटल आपको ये नहीं पता होगा कि आप किन स्टूडेंट्स के बीच में जाके एग्जाम देने वाले हो तब तक आप कैसे प्रिपेयर करोगे हाउ विल यू प्रिपेयर योर जब तक आपको ये नहीं पता है कि इस लेवल के कैंडिडेट्स मेरे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं यू नो यू पी कैंडिडेट्स जो हैं वो भी आर ग्रेड बी का एग्जाम देते हैं दिस इज लाइक ग्रेड बी जॉब है आर ग्रेड बी जॉब है दे यू पी एस सी एसपायरेंट्स ऑल्सो ट्राई टू गो टू दी आर ग्रेड बी एग्जाम ओके बहुत सारे आपने देखा होगा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यू नहीं क्वालिफाई कर पाते बट दे क्वालीफाई आर ग्रेड बी बिकॉज दे हैव प्रिपेयर फॉर यूपीएससी उन कैंडिडेट्स के साथ जाके आपको क्या करना है कॉम्पीट करना है सो नो योर कॉम्पिटिशन हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू जो आर बी आई ग्रेट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली ठीक है बिकॉज अगर आप कहीं पे डीमोटिवेट डिमोटिवेट बिकॉज वी नो वी हैव अ ईयर ड्यूरेशन फॉर आरबीए ग्रेड बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आप कैसे मोटिवेट रहे तब तक मोटिवेट रखने के लिए अपने आसपास ऐसे फ्रेंड्स को रखो जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं टू क्वालिफाई आर बी ग्रेड बी दे विल कीप यू पुशिंग कि नहीं यार ये पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं यू विल बी मेकिंग योर स्ट्रैटेजी वेरी गुड ठीक है अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बनाओगे यू विल नो की व्हाट अदर्स आर डूइंग देन आप वो कर पाओगे अच्छा यहां पे फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज नहीं लानी है नो योर कंपटीशन में ऐसा स्ट्रेटजी आपको बनाने के लिए ग्रुप में बता रही हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहो यू विल डिस्कस थिंग्स विद कि आप डीमोटिवेटेड लाइक आर बी ग्रेड बी ऐसा एग्जाम है जिसके नोटिफिकेशन आने का स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स को पता नहीं इस साल नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा तो वह स्ट्रेस दूर करने के लिए यू शुड हैव अ कंपनी जो सिमिलरली आपके लेवल पे है एंड देर वेरी सीरियस टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम सो आपका क्या का रिदम बना रहेगा यू विल हैव अ सर्टेन वाइब कि नहीं यार सब प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई का मुझे भी करना चाहिए आई डू नॉट लूज होप हियर मैं यहां पे नहीं खत्म कर सकता आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम सो दैट्स वाई यू हैव टू नो योर आफ्टर दैट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर फेज वन एंड फेज टू टूगेदर हम क्या करते हैं यार फेज वन पढ़ लेते हैं फेज टू पढ़ेंगे जब निकल जाएगा ये नहीं होता ये नहीं कर सकते ये आप अभी पी ओ एग्जाम में नहीं कर सकते तो आप ग्रेड बी में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सो वॉट यू हैव टू डू ईयर प्रिपरेशन दोनों के साथ में करो फेज वन फेज टू कैसे करना है आई विल लेट यू नो फेस टू बुक्स रिक्वायर्ड फेस टू की बुक्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन द अनदर सेशन बुक्स का सजेशन भी मैं आपको दे चुकी हूँ कल वाले सेशन में अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से चैप्टर किस बुक में पढ़ने चाहिए आई हैव टोल्ड यू कि उमा कपिला पढ़ लो र, रमेश सिंह पढ़ लो या मिश्रा पुरी पढ़ लो पूरी बुक्स तो नहीं पढ़नी ना तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने उसका that, एक अलग से सेशन लेकर आऊंगी मैं हमें डोंट वरी अबाउट दट ठीक है एक डिफरेंट सेशन रहेगा जिसमें ओनली बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपको वहां पर पढ़ने चलो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कम्बाइन द प्रिपरेशन ऑफ ई एस आई करेंट जनरल अवेयरनेस

यहां से स्टार्ट करो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टार्ट करनी है स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे कहां से करोगे फर्स्ट मेक योर टारगेट्स अपना टारगेट बना लो कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं यू हैव टू गिव नाबार्ड से बी सिड बी आर बी आई ये सारे टारगेट्स आपके क्लियर होना चाहिए कि यही एग्जाम मुझे देने इन्हीं पर मैं फोकस करूंगा सेकेंड सिलेबस जान लो एग्जाम दे जान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट कर दो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें कहाँ से स्टार्ट करें ठीक है दिस इज मेन क्वेश्चन ये है आपका प्रॉपर कि कहां से स्टार्ट करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टार्ट विद मॉक टेस्ट ऑफ फेज वन एंड फेज टू एंड डू द सेल्फ एवेल्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ नहीं पढ़ना ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देख लोगे अच्छा डायरेक्टली मॉक टेस्ट नहीं देना क्या करना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लो स्टेप बाई स्टेप जाओ सबको एक साथ मत मिला देना ठीक है स्टेप बाई स्टेप प्रिपरेशन स्टार्ट करो आफ्टर नोइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट ऑफ़ फेज वन एंड फेज टू अब बोलो मैम डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे कुछ भी करो पर आपको प्रॉपर उतना टाइम देना है मॉक टेस्ट में इट डजेंट मैटर कि आपको ई एस आई का कुछ नहीं आता है ए आर डी का कुछ नहीं सॉरी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का कुछ नहीं आता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं आता है डू वट एवर न डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको फेज वन का मौक भी देना प्रॉपर ईमानदारी के साथ टू नो योर लेवल यह बहुत जरूरी है ठीक है अपना इवाल्यूशन देखना अपनी लिमिट देखना अपना लेवल देखना बहुत जरूरी है बिकॉज तभी हमारा हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान बना पाएंगे लेट्स मैं आपको बोल दूर ई एसआई तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से सिंपल फॉर मी आपके लिए नहीं होगा हर एक कैंडिडेट के लिए नहीं होगा लेट्स फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपके लिए सिंपल है बट इट्स नॉट फॉर मी तो मुझे उस लेवल पर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना वट यू हैव टू डूर फेज वन का मॉट दो फेज टू का मॉक्टिस दोन करो कि यार आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है वीक एरिया क्या है आफ्टर नोइंगव टू गो टू स्टार्ट स्टडी न्यूज पेपर यह तो आज से ही आपको करना है फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स टिल यू गेट सेलेक्टेड टू आरबीआई ग्रेड भी एग्जाम आपको क्या करना है न्यूज पेपर पढ़ना है यानी कि जिस दिन आपका आरबीआई ग्रेड भी इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता तो आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको रेगुलर करना है वॉट न्यूज पेपर टू रीड द हिंदू पढ़ लो बिजनेस लाइन एप्लीकेशन से पढ़ लो लाइवमेंट से पढ़ लो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लो यू हैव मल्टीपल चॉइस कहीं से भी पढ़ सकते हो बट स्टार्ट रीडिंग ठीक है देखो ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वी हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड भी अगर दो महीने तीन महीने बची होती तो मैं खुद नहीं बोलती मत पढ़ो बिकॉज दट इज नो सेंस बट नाई राइट नाउ अभी से स्टार्ट करो पेपर जो कि आप आसानी से पढ़ पाते हो समझ पाते हो स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन ठीक है अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो न्यूज़पेपर के साथ सो so, एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर जितना भी टाइम लग रहा है गिव प्रॉपर टाइम क्योंकि अभी दे सकते हो अभी आप अपना बेसिक बिल्ड कर सकते हो फॉर द आरबीआई बी एग्जाम बाद में नहीं कर पाओगे तो आपको न्यूज पेपर रीडिंग स्टार्ट करना है स्टार्ट विद ई एस आई दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेने ना ही ऐसा करना है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ लो ई एस आई ही पढ़ लो दोनों साथ साथ करेंगे नहीं करना आपको क्या करना है दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट लो या ई एस आई लो अभी डिपेंड किसके ऊपर करेगा जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चला फाइनेंस में तो मैंने पढ़ा है मॉनिटरी पॉलिसी क्या है फिजिकल पॉलिसी क्या है इन्फ्लेशन क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये सब तो मैं कर लूंगा ई एस आई में भी मैंने पढ़ा है कि लेट से आपका पॉवर्टी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये सब मैंने पढ़ा ये भी मैं कर लूंगा बट वन इट कम्स टू द मैनेजमेंट यार मुझे मैनेजमेंट में तो कुछ भी नहीं आता आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट मैनेजमेंट मुझे नहीं पता लीडरशिप क्या होता है मुझे नहीं पता मोटिवेशन क्या है मुझे नहीं पता कम्युनिकेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है तो ये मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है तो आई विल स्टार्ट विद द मैनेजमेंट ठीक है मैनेजमेंट से स्टार्ट करो एंड स्टैटिक नॉट करेंट फाइनेंस और ई में आई करंट नहीं पढ़ना लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक यू हैव थ्री सब्जेक्ट्स फाइनेंस मैनेजमेंट और ई इन तीनों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा वीक हो सब्जेक्ट को उठा और उसका स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट कर दो ठीक है दैट इज वॉट यू हैव टू डू और एक सब्जेक्ट दो या तीन एक साथ नहीं लेने हैं बिल्कुल बहुत टाइम है हमारे पास बहुत सफिशियंट टाइम है जैसे गो विद द स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर लो कुछ भी नहीं कर पाऊँ ना नेक्स्ट थिंग इज टेक वन सब्जेक्ट ऑफ फेज वन दैट कैन बी क्वान रीजनिंग इंग्लिश इन तीनों में से अगेन आफ्टर

आई नो इतना हार्ड आपका आर बी ए ग्रेड बी का एग्जाम आता है आई नो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सो वट यू हैव टू डो जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है दट दिस ऑज वीक आई नीड अ मोर टाइम टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट पर एक सब्जेक्ट ऐसे नहीं क्वांट रीजनिंग एक साथ कर लो कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर।, कर लो क्वांट कर लो रीजनिंग कर लो इंग्लिश कर लो इट्स अप टू यू ठीक है नाव इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको करना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अगर आपने क्वांट से स्टार्ट किया है लेट से आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस करो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन जब तक हंड्रेड परसेंट सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस करते रहो दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है टाइम है हमारे पास टाइम के लिए परेशान मत होना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो। दिस इज दी फर्स्ट स्टेप जो आपको करनी है ठीक है आफ्टर डूइंग दिस जैसे ही आपका फाइनेंस का या मैनेजमेंट का या ई का स्टैटिक पोर्शन खत्म हो गया देन आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाओगे ठीक है so सो ये आपको करना है फर्स्ट फेज में सेकेंड फेज पे आते हैं अपन आफ्टर दैट क्या करें सो कंटिन्यू रीडिंग न्यूज ये तो मैंने बता दिया कब तक करना है जब तक आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट नहीं आ जाता इंटरव्यू का और आप सेलेक्ट नहीं हो जाते अच्छा आफ्टर गोइंग इन आरबीआई तब तो फिर ये करना ही पड़ेगा आरबीआई तो अलग से आप कॉल आज अलाउंस देता है न्यूज uh, पेपर के नाइन हंड्रेड सेवनटीन रुपीज आपको दिया जाता है न्यूज पेपर अलाउंसेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो है आरबीआई में जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा और जब एक साल तक पढ़ते रहोगे ना तो यू विल हैव हैव अ हैबिट आई वी सीन यूबी है हमारे फादर को देखा ही हैज अ वेरी गुड हैबिट कि उठते से ही न्यूज पेपर पढ़ना हैल्सो बट जब कब आप रेगुलर न्यूज पेपर पढ़ोगे इंटरेस्ट आने लगेगा वेन यू स्टार्ट नोइंग अबाउट इकोनॉमी आप जानोगे आसपास में क्या हो रहा है दो लोगों के सामने आप बात कर पाओगे डिबेट कर पाओगे उस टॉपिक के ऊपर तो यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप खुद से फील करोगे दैट आई हैव अ कॉन्फिडेंस नाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस ठीक है सो ये आपको करना है देन जो भी सब्जेक्ट कवर कर चुके हो वो ठीक है दूसरा सब्जेक्ट उठा लो फेंस उठा लो या फिर ई एस आई उठा लो कोई एक सब्जेक्ट अगेन ओनली वन सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं और जो भी सब्जेक्ट लेट से आपने मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया तो कीप डूइंग रिविजन रिविजन बहुत जरूरी है वीक में एक दिन आपका वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ नया नहीं बढ़ोगे यू आर गोइंग टू डू ओनली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन आप करने वाले हो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए यहां पर ठीक है कि प्रॉपर रिवीजन उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कर रहे हो और उन सभी टॉपिक्स का कर रहे हो जो आप कवर कर चुके हो तो वीक में एक दिन आपका रिवीजन जरूर जरूरी होना चाहिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज रिवीजन हम नहीं करते हैं वी थिंक यार पढ़ लो पढ़ लो पूरा सिलेबस पढ़ लो ये बच्चा है वो बच्चा है बट डिजेंट मैटर मैटर ये करता है आपको याद कितना रहता है और याद किस बेसिस पे रहेगा जब आप क्या कर रहे हो जब आप रेगुलर बेसिस पे रिजिजन कर रहे हो नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे सो रिविजन इज मस्ट वीक में एक दिन कुछ नया नहीं, नहीं पड़ोगे सिर्फ वट यू हैव टू डू आपको रिविजन करना है यहां पर नॉ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग नेक्स्ट क्या करेंगे स्टार्ट आंसर राइटिंग यहां पर बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड लेट्स ए मैनेजमेंट आप मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हो अब आप डिस्क्रिप्टिटिव राइटिंग कर सकते हो सो स्टार्ट डूइंग डिस्क्रिप्ट राइटिंग यहां पर आंसर राइटिंग करो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए मैनेजमेंट का सिलेबस कवर किया है ना तो स्टार्ट विद मैनेजमेंट ओनली ठीक है फिर फाइनेंस कर लोगे तो फाइनेंस का स्टार्ट कर देंगे ई कर लोगे तो ई का स्टार्ट कर देंगे बट स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अब ये मैं सोचा कि मैम फेज टू तो और ज़्यादा दूर है तो अभी से क्यों करें पर क्वालिफाई तो करना है ना वैन यू नो कि ये करना ही पड़ेगा तो वेट किस चीज़ का करो अभी से करना स्टार्ट करो ठीक है चलो नेक्स्ट इज टेक वन सब्जेक्ट ऑफ फेज वन जैसे कि आप क्वांट कर चुके हो तो अब रीजनिंग ले लो रीजनिंग प्रॉपरली प्रैक्टिस करो रीजनिंग को पूरा कंप्लीट कर लो ठीक है देन गवर्नमेंट स्कीम्स सेकेंड फेज में यू हैव टू स्टार्ट विद द गवर्नमेंट स्कीम बिकॉज अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस के अंदर ओनली यू विल हैव टेन टू फिफ्टी 15 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स रिपोर्ट इन सबसे आते हैं और अगर मैं ई एस आई की बात करूँ तो सिमिलरली ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका होगा उसमें जो ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं टू मार्क्स के ये मैगजिम गवर्नमेंट स्कीम पे बेस्ड रहेंगे या तो गवर्नमेंट स्कीम से बेस्ड रहेंगे या फिर आपसे वो पूछ लेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर या फिर देखें ना आज का ऑन द साममिट और कुछ पर्टिकुलर आपका फिनेंस और न्यूज़ आती है कुछ तो उसके ऊपर पूछ लेंगे ठीक है सो वट यू हैव टू डू यहाँ पे ई एस आई में भी आपका गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस में भी है तो आपको ये अभी से स्टार्ट करना फ्रॉम द फेज़ टू जो कि आप स्टार्ट करोगे ठीक है फेज टू मीन्स आपके प्रिपरेशन का फेज़ टू नॉट अबाउट द आर ग्रेड बी फेज टू एग्जाम नाउ नेक्स्ट इज फुल लेंथ टेस्ट देना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बिकॉज आपने क्वांट कंप्लीट कर लिया आप रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हो आप न्यूज़पेपर रेगुलर uh, पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करेंट अफेयर्स का जानते ही हो तो यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे ठीक है इसके बाद वट यू हैव टू डू न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है देन फाइनेंस हो गया मैनेजमेंट हो गया स्टार्ट विद ईएसआई दो सब्जेक्ट हो गए ना नाउ स्टार्ट विद ईएसआई नाउ ईएसआई जितने ये दो सब्जेक्ट कर चुके हैं उनका आंसर राइटिंग आपको कंटिन्यू करना है दोनों के लिए फिर जैसे ही ईएसआई भी कंप्लीट कर दोगे तो इसका आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दोगे ठीक है नाउ नेक्स्ट इज आप बचाए क्या इंग्लिश यू हैव टू प्रिपेयर इंग्लिश अच्छा जनरल अवेयरनेस अभी तक प्रिपेयर नहीं किया हमने जनरल अवेयरनेस डोंट वरी आपका प्रिपेयर हो रहा है जब आप ये पढ़ रहे हो ठीक है और इसके साथ ये पढ़ रहे हो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपका जनरल अवेयरनेस चल रहा है पर प्रॉपर्ली अभी से क्यों टाइम दे रहे हो जनरल अवेयरनेस को बिकॉज वी नो करेंट फोर मंथ्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है करेंट फोर मंथ्स के क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा आते हैं तो फोकस ऑन दैट ना कि करंट अफेयर्स हम तब पढ़ेंगे बट हैबिट अभी से लानी पड़ेगी आप ये सोचो एग्जाम के पहले हम दस दिन में चार महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और याद भी रख लेंगे पॉसिबल नहीं है करंट अफेयर्स को एज ए स्टोरीज याद रखना पड़ता है आपको पता है स्ट्रैटिक आप पढ़ते हो स्टोरीज के साथ कुछ ट्रिक के साथ वैसे करंट अफेयर्स की भी ट्रिक है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ की हर एक स्टेप को आप जान जाते हो कि क्या हुआ था फिर क्या हुआ था फिर क्या हुआ था ठीक है तो दिस इज़ वाई यू हैव टू क्लियर दिस लेट्स फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोदी की बात करें फॉरन विजिट्स की बात करें लाइक पैंडेमिक में सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि हमारी हरी विजिट्स कम हो गई मिस्टर मोदी की फॉरन विजिट्स कम हो गई हैं ना फॉरन विजिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जनरल अवेयरनेस में यू ऑलसो नो ठीक है तो जब आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एक दिन न्यूज़ मिलेगी लाइक मिस्टर मोदी इज़ गोइंग टू बी देयर ए फॉर दिस दिस ओकेशन कि इस ओकेशन के लिए वहाँ जाने वाले हैं सो यू हैव रेड फॉर फर्स्ट डे सेकेंड डे आपने पढ़ा इतनी तारीख को जाने वाला है ये होने वाला है थर्ड आपने पढ़ लिया कौन उनको रिसीव करने आया है ही रीच टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एक्सेट्रा देन वहाँ पर क्या क्या एम ओ यू साइन हुए क्या डिस्कशन हुआ विद होम ही हैड लंच और विध होम ही हैड डिनर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली अब यह क्या हुआ यू विल नो दिस पर्टिकुलर एज अ स्टोरी की मिस्टर मोदी की एक ट्रिप बनी थी वे यू एस एन दिस दिस वॉट ही हैज़ डन सो ये क्या हो गया कि स्टोरी की तरह याद हो गया तो इट इज़ ऑब्वियस नाउ

कि आपका न्यूज पेपर तो कंटिन्यू होगा रिवीजन करो अब ये तीनों सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हो नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग फाइनेंस मैनेजमेंट ये सही तीनों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो नाउ नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग ऑल द थ्री पेपर्स अब ये थ्री पेपर्स कौन से हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी यहां पे ऐड कर दिया आपका पेपर वन जो है दिस इज पेपर वन पेपर वन इज योर ई एस आई पेपर टू इज योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर थ्री इज योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एफ एम ठीक है इन तीनों का डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है तीनों के लिए स्टार्ट करना है ओके डू मेक श्योर तीनों के लिए आप ये स्टार्ट करो सो so, तीनों पेपर्स में पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना इन द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज आप सब कुछ आप कर चुके हो आपने फेज वन का इंग्लिश भी कवर कर लिया ना तो यू नो ग्रामेटिकल मिस्टेक रूल्स आ गए स्टेटमेंट बनाना आ गया सब आ चुका है सो स्टार्ट राइटिंग फॉर द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो ठीक है नाउ करंट अफेयर्स अब हम स्टार्ट करेंगे नाउ करेंट अफेयर्स प्रॉपरली पूरा अच्छे से पढ़ना है अबाउट योर जर्नल अवेरनेस ईसआई फाइनेंस है ना तीनों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे कैसे क्या क्या चीजें कवर करनी है अभी मैं बताऊंगी ना नेक्स्ट इस गवर्नमेंट स्कीम रिपोर्ट्स तो ये रेगुलर चल रही है फुल एंड टेस्ट ऑफ फेज वन एंड फेज टू यहाँ पर देना आप स्टार्ट कर दोगे फेज वन तो हम दे रहे थे नाव यू विल स्टार्ट गिविंग फेज टू ऑल्सो बिकॉज तीनों पेपर के लिए अब आप रेडी हो चुके हो तो इन तीनों पेपर का भी आपको क्या देना होगा मॉक टेस्ट देना होगा सो फुल एंड टेस्ट फेज वन फेज टू का आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है सो दिस शुड बी योर स्टार्टेजी स्टेप से हम चलेंगे तो फिर हम बोल सकते हैं कि वी हैव कवर्ड एवरीथिंग सब कुछ एक साथ कवर

आप इनकी प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर रहे हो इन तीनों सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है जस्ट डू प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो दिस इज़ वेरी बच इम्पॉर्टेंट है ना ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग द थिंग्स आपका प्रैक्टिस करो सभी टॉपिक्स पे और अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्वांट का कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर नहीं है ठीक है यू हैव सीन दैट उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक लाइट ने क्वांट आप प्रैक्टिस करो ना यू हैव सीन किया जब भी मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ हमेशा नेगेटिव होता है नाउ वट यू हैव टू डू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द रेशियो प्रपोशन सभी चैप्टर्स का बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन एस्पायर अच्छा जो बिगिनर्स हैं दे हैव टू डू ट है ना जो बिगिनर्स हैं फर्स्ट से स्टार्ट कर लो कि हर एक टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे देन प्रैक्टिस करेंगे पर जो तो बिगनर्स नहीं है यू हैव ऑलरेडी गिवन आरबीआई और एसबीआई और एनी अदर एग्जाम तो आपको बेसिक्स तो पता है ना क्या करो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और जिस भी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है या नेगेटिव मार्किंग यहां पे बहुत हो रहा है इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है उसका बेसिक्स पढ़ना है देन विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हर एक टॉपिक के बेसिक्स के ऊपर नहीं जाना है और प्रैक्टिस इज मस्ट टॉपिक प्राक वाइज क्विज देते रहो फुल लेंथ क्विज देते रहो फुल लेंथ पेपर देते रहो टेस्ट देते रहो बहुत जरूरी है ठीक है आपके पास ऑप्शन क्या है टॉपिक वाइज टेस्ट दो ठीक है आफ्टर दैट फुल लेंथ टेस्ट दो ये दोनों काम आपको करने ठीक है कहां से करें कहां मिलेगा तो ऑब्वियस सारी ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन मैंने आपको बताया क्वेजेस है टाइम बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड क्वेज को सॉल्व करो और कुछ नहीं करना है एस बी आई पी आई बी पी एस पी लेवल की जितनी भी क्विज क्वेजें आपकी सब सॉल्व कर लो ठीक है एंड इफ यू आर बिगनर तो आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की सॉल्व करो बट सॉल्व करते रहो दैट शुड बी स्ट्रैटेजी फॉर द क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट ही एंड मेन सब्जेक्ट इज जनरनल अवेयरनेस मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है जर्नल अवेयरनेस इन द फेज वन मेन सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि एटी मार्क्स का है ठीक है एटी मार्क्स का है और आपके फाइनल वीकेंड से फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है दैट्स वाई आपका जर्नल अवेयरनेस मींस सब्जेक्ट कहला रहा है यहां पे ठीक है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन किस किस बेसिस पे आते फर्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ठीक है इस टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक से आपका क्वेश्चन रहने वाला है अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स तो रहेंगी गवर्नमेंट स्कीम्स तो रहेंगे ही ठीक है इसके बाद थर्ड आपका आ जाता है रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स का भी अलग से सेक्शन मैं आप क्यों बना रही हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं या फिर यू कैन ऐड रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स टुगेदर रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स को एक साथ भी ले सकते हो बिकॉज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द फेज़ वन एज वेल एज़ फ़ॉर द फेज़ टू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आफ्टर दैट इसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट जो आपका आएगा दैट इज़ फ्रॉम द करेंट अफेयर्स मिस लीनियस करेंट अफेयर्स करंट अफेयर्स आपका जनरल में क्या रहेगा लाइक स्पोर्ट्स पे 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 न्यूज आ आ आ गया आ गया पे आ गया बुक्स एंड ऑथर्स एमओयू के ऊपर आ गया या फिर ओबीचरी के ऊपर पूछ लिया गया है दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपका क्या होगा यहां पर करंट uh, अफेयर जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स है ठीक है देन द फोर्थ पार्ट विल बी स्टैटिक ठीक है फोर्थ पार्ट विल बी योर स्टैटिक जी ये जो होता है आपका लाइक नेशनल पार्क डैम्स पावर प्लांट सिटीज ऑन द रिवर ऑफ बैंक आपके ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्राइ ये सारी चीजें आपका स्टैटिक के अंदर आता है ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है ठीक है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जनरल अवेयरनेस ठीक है सो दीज आर द दर्टर्नस ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो कवर करने हैं आपको जनरल अवेयरनेस में सो so सिंपली अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं अराउंड आपको यहां पे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 15 टू 20 ठीक है लेकिन आज फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन ऑन बैंकिंग इन फाइनेंशियल अवेयरनेस पर वो करंट वाला ठीक है इट्स नॉट लाइक वो पूछ रहे वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए नहीं आपसे एनपीए से, से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे बट करंट क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है आपके मेजर्स सॉरी मैथर्स टू रिकवर एनपीए पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अराउंड सेम टेन टू फिफ्टीन मार्क के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं कहाँ से गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे से आफ्टर दैट थर्ड इज योर करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स तो सिंपल है आपका सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव मान के चलो करंट अफेयर्स विल बी दे और वी कैन से सिक्सटी क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन से आने ही हैं जो मिसलिनियस करंट अफेयर्स होंगे देन वी आप स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके में आपका दस नंबर के क्वेश्चन आ जाते ठीक है टेन मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते so, 10 हैं सो वो टेन मार्क के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको कवर करने हैं ठीक है टेन मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करने क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ छोड़ सकते हो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन ठीक है दैट्स अ वेरी क्वाइट जेन जेनरिक क्वेश्चन कि क्या नहीं पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ना है व्हाट एवर यू फाइंड जो मिलता है जहां से मिलता है सब पढ़ लो आरबीए ग्रेड भी कवर्स एवरी सब कुछ कवर करता है आपका आरबीए ग्रेड भी चलो नाउ नेक्स्ट थिंग इज अब आते हैं ई एस आई जी ए फैंस में आपके कॉमन टॉपिक्स क्या होंगे सो कॉमन टॉपिक्स विल बी योर गवर्नमेंट स्कीम्स your reports your gdp forecast ठीक है रिपोर्ट्स के बाद आपका जी डी फोरकास्ट आ जाता है क्लियर आफ्टर दैट आपके आ जाते हैं सभी एमओयू जितने साइन हुए हैं आपके सबमिट जो हुई हैं ये कॉमन टॉपिक्स है आपकी फाइनेंशियल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट न्यूज ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बजट इकोनॉमिक सर्वे सो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स ये वो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट में रहने वाले हैं इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ना है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जितने भी सर्कुलर्स हैं सर्कुलर्स किसके रेगुलेटरी बॉडीज़ के रेगुलेटरी बॉडीज़ के जितने भी सर्कुलर हैं लाइक आर के सर्कुलर हैं सेबी है नाबार्ड से है, है सिडबी है इसके अलावा आपके जितने भी एन है एडा है पी एफ है इनके जो भी सर्कुलर्स हैं ये सब कॉमन है सो दीज आर द कॉमन टॉपिक जो आपका ई में भी हेल्प करने वाला है जीए में भी करेगा फाइनेंस में भी करेगा तो ऑब्वियसली पता है कि जब तीन सब्जेक्ट में आ सकता है तो उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी दिस इज दिस शुड बी योर प्रायोरिटी है ना ये टॉपिक्स आपके प्रायोरिटी होने चाहिए चलो दिस इज द ई एस आई जी ए और फाइनेंस के कॉमन टॉपिक्स नॉलेज कम टू दी इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जब आप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात कर रहे हो तो एज अ सब्जेक्ट जो सिलेबस किया गया ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है ना इकोनॉमी मत समझो पहली चीज तो यहाँ पे आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा बट नॉट ओनली इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ना है माइक्रो और मैक्रो टू नो दिस पर्टिकुलर सिलेबस और यही वो स्टैटिक पार्ट है जिससे आपको ये सारे को स्टार्ट करना है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में पढ़ो माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है दिस इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस दिस सब्जेक्ट ठीक है सेकेंड पार्ट इस सब्जेक्ट का क्या आ जाता है आपका यू हैव कवर्ड इकोनॉमिक्स देन आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी इसका एक पार्ट बना दिया गया है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस थर्ड पार्ट की बात करो तो अलग से आपका गवर्नमेंट स्कीम्स को एक थर्ड पार्ट बना दिया गया वी नो गवर्नमेंट स्कीम्स इज अ पार्ट ऑफ करेंट अफेयर्स नो डाउट गवर्नमेंट स्कीम्स आपका करेंट अफेयर्स का पार्ट है बट वेन इट कम्स टू द ई एस आई सब्जेक्ट इसको एक अलग से टॉपिक बना दिया आपके ई एस आई के अंदर ठीक है सो गवर्नमेंट स्कीम इज द थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो दैट विल बी योर इंडियन सोसाइटी यू हैव टू रीड अबाउट द इंडियन सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट द करेंट इशूज इकोनॉमिक इशूज वट आर द करेंट इकोनॉमिक और वी कैन से सोशल इशूज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो आपका सब्जेक्ट है मेनली कि इंडियन सोसाइटी में जो भी सोशल इश्यूज चल रहे हैं जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं पॉलिटिकल इश्यूज है सब पूछे जाते हैं ऐसा कुछ नहीं, नहीं पूछा जाता आपका रेफरेंस दे देंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना ओपिनियनियन बेस्ड क्वेश्चन में ये वाला पार्ट वो एड कर देते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकनॉमी की दिस दिस इज द ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इतना हम फेस करें ना एज़ पर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया जाना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया जाना चाहिए या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाना चाहिए ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर ठीक है नॉ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट जो आता है आपका फिफ्थ पार्ट इज टोटली योर ई एस आई करेंट दैट इज योर ई एस आई करेंट ई एस आई करेंट मेनली डेटा बेस्ड होता है डेटा बेस्ड करंट यहाँ पे ईएसआई के अंदर आपसे पूछा जाता है नाउ व्हाट डज डेटा बेस्ड करंट मीन्स डेटा बेस्ड करंट का मतलब क्या हुआ आपसे स्टैटिस्टिकल डेटा दे आर आस्किंग टू यू स्टैटिस्टिकल डेटा जैसे कि इन्फ्लेशन कितना है जी का क्या टारगेट है आपका नेक्स्ट पर कैपिटल इनकम कंट्री का कितना है अपार्ट फ्रॉम दैट पीडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है लेबर फोर्स कितना है वर्क फोर्स कितना है कंट्री में तीस टाइप्स ऑफ डेटा है ना जो एक्चुअल डेटा आपके होते हैं स्टैटिस्टिकल डेटाज वो सब यहाँ पे ई एस में बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है और इसके अलावा लाइक देखे आस्क द लोन्स अबाउट दैट है ना कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को ग्राउंड वाटर

से प्यारा सब्जेक्ट जो आपका है दैट इज मैनेजमेंट कुछ नहीं चेंज होता है इसमें ये सेम वैसा का वैसा ये डिट्टू वही रहेगा जो आप आज पढ़ोगे वही आपका आर बी ग्रेड बी एग्जाम तक रहने वाला है सो दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट स्टैटिक है पढ़ो रिवाइज करो दैट्स इट कॉन्सेप्ट को समझो अंडरस्टैंड करो लाइफ एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करो याद रहेगा स्टोरी की तरह एंड जस्ट रिवाइज इट नथिंग एल्स यू हैव टू डू बस रिवीजन करते जाओ रिवीजन करते जाओ दैट इज सफिशिएंट इतना ही आपको करना है इसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन द मैनेजमेंट सबसे सिंपल सब्जेक्ट है गो थ्रू सब सिलेबस बस सिलेबस देखो जो आरबीआई ने दिया है रीड ऑल टॉपिक्स सभी टॉपिक्स को कवर करो अच्छा ये मत पूछा करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं यार मैम मैनेजमेंट बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है या फिर ये बता दो इंपॉर्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्पिटिवि एग्जाम दे आर सब एवरीथिंग आप आबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार आबीबीआई ने सब जगह से जो जो बताया सब जगह से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते बट यस लीडरशिप मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हर साल पूछा जाता है बट देर इज नो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सभी टॉपिक्स कवर करो एंड जस्ट डू द रिवीजन एंड प्रैक्टिस दैट्स ऑल इसके अलावा कुछ नहीं करना ऐसा नहीं कि बार बार नई चीज पढ़ रहे हो रिविजन के अलावा भी आपको कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है कुछ नहीं पढ़ रहा एक बार समझ लो सब्जेक्ट को एक बार अंडरस्टैंड कर लो सब्जेक्ट को दैट इज सफिशियंट उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना जब फाइनेंस की बात करते तो ये भी बेसिक फाइनेंस है आपका जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम पढ़ते हैं ना वैसे वाला फाइनेंस यहाँ पे पूछा गया कुछ अलग नहीं किया यहाँ पे आर में तो फिनेंस आप बहुत ईजिल यहाँ पे कवर कर लोगे फाइनेंस का पार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस स्टैटिक पार्ट है आपका देन यू हैव अ फिनेंस करेंट और फिनेंस करेंट में आपके आते हैं वो आर बी आई सर्कुलर और ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज सर्कुलर आर बी आई का जो प्रेस रिलीज है एवरी थिंग यू हैव टू रीड इन द डिटेल है ना बहुत डिटेल में आर बी आई की वेबसाइट की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सभी आप फिनेंस में पूछ लेता है ठीक है सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू फाइनेंस का करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ होता है टफ क्यों होता है बिकॉज आप आर बी आई का एक मास्टर सर्कुलर पढ़ने चाहोगे तो उसमें रेफरेंस आर बी आई ने पिछले चार सर्कुलर्स का दिया हुआ होगा उस रेफरेंस को कवर करने के लिए यू शुड नो अबाउट ऑल uh, आप उसको रिलेट करके पढ़ पाओगे आरबीआई की वेबसाइट बहुत अच्छी से पढ़नी है कहां से मिलेगा सिलेबस कल ही डिस्कस किया है मैंने कल वाला सेशन देख लो और जैसे ही आपके आरबीआई ग्रेड बी का स्टडी प्लान अपडेट होता है वहां पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा जो आप डाउनलोड uh, कर सकते हो

प्रेफरेंस इसको देना है न्यूमेरिकल्स को लीस्ट प्रेफरेंस देना है आपको ठीक है लीज प्रेफरेंस यू शुड गिव टू द आरिकल फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए फाइनेंस करेंट और करेंट में समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी कर, uh, पड़ेगी फाइनेंस स्टैटिक की जरूरत पड़ेगी यू आर रीडिंग अ आर्टिकल अबाउट यू आर रीडिंग अ मास्टर सर्कुलर अबाउट आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम फॉर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू आप पढ़ रहे हो पर आपको यही नहीं पता सी आर आर क्या होता है एल एफ क्या होता है एमएसएस और ओ एमओ में क्या डिफरेंस है देन हाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द करेंट न्यूज ऑफ अबाउट द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटीज रिव्यू सो इट इज ऑब्वियस स्टैटिक जब समझ लोगे तो फाइनेंस करंट समझ में आने लगेगा बट थोड़ा

इफ़ यू आव इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर नाबार जैसे कि मैंने कहा कि पहले डिसाइड कर लो कौन कौन से एग्जाम आपको देने तो नाबार्ड तो आप सबको देना है जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो आर बी ए ग्रेड भी प्रिपरेशन करें देव टू गिव नाबार्ड ग्रेड एग्जाम मैंडेटरी है ये मान लो बस ठीक है सो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए वी हैव अ बैच मैरिट सेक्शन के बैच अलग हैं यू विल हैव अ जर्नलिस्ट बैच आल्सो जहां पे फेज़ वन फेज टू दोनों को कवर किया जाएगा ठीक है नाउ टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज बैच यू कैन यूज अ कोड दैट इज वाई थ्री फोर थ्री ये कोड यूज आप कुछ कर सकते हो यू विल गेट सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट नाबार्ड टोटल ई बुक्स इज देयर और आपका टेस्ट पैक इज ऑल्सो देयर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द नाबार्ड एग्जाम और नाबार्ड में क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ बिकॉज नाबार्ड और आरबीआई सेम लेवल है ठीक है सब्जेक्ट

की वेबसाइट पर जाना यू कैन यूज अ कोड वाई थ्री फोर थ्री एंड फ्राम एड एवन एप्लीकेशन सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट एंड अगर आप नाबार्ड आरबीआई और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें एंड यू वॉन्ट एवरी थिंग इन अ सिंगल प्रोडक्ट देन बैंक महापैक प्लस इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू इसमें सभी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम कमर्शियल बैंक्स एग्जाम्स कवर्ड कवर्ड इंश्योरेंस एग्जाम्स ऑल द ई बुक्स ऑल द वॉट वी कैन से ऑल द ई बुक्स विल भी देयर आपके सभी टेस्ट पैक्स विल भी देयर आपको अलग अलग से बैच परचेज करने की जरूरत है यू कैन गो विद द बैंक महापैक प्लस एंड टू एनरोल आर ए ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन को विजिट करो एप्लीकेशन पे यू विल हैव टू गो टू दर बी आई सेक्शन जब आप आर बी आई के सेक्शन में जाओगे या नाबार्ड के सेक्शन में जाओगे यू विल फाइंड बैंक महापैक प्लस बाई यूजिंग द सेम कोड वाई थ्री फोर थ्री यू विल गेट सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट डू चेक ईच एंड एवरी थिंग डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ लेना वेन यू आर एनरोलिंग बैंक महापैक आपके लिए यूजफुल नहीं होगा बिकॉज

Okay. So this is all for today. If you are new to the channel, do subscribe to the channel and press the bell icon so that all the upcoming sessions notification will be there. If you like the session, do press the like button and share with your friends who are also going to prepare for RBI or already preparing for RBI or NABAD exam. Okay. So still if you have any doubt, any query, you can ask in the comment section. We'll check your comment and answer you. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चेक करने के लिए यू कैन सेंड दैट राइटिंग ऑफ योर अमित ऑन द टेलीग्राम आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो मुझे आई विल चेक योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड देन लेट यू नो कि आपको क्या क्या प्रॉपर यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है क्या अपडेट करने की जरूरत है ठीक है सो थैंक यूर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड स्टे सेफ